नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल सो एनसीए सी लास्ट मंथ डिसंबर 2023, ऑन एग्जैक्टली ट्वेंटी एक नोटिफिकेशन जारी की थी थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें कई सारे एग्जिस्ट एग्जिट टेस्ट्स, जैसे इंटरनिस हो गया पीजी स्कॉलर जो फाइनल ईयर वाले हैं वो हो गए देन इवन टीचर्स एलिजिबिलिटी प्रमोशन के लिए सारे जो एग्जाम्स का जो एक नोटिफिकेशन है निकाला, निकाला था एन सी एस एम एंड टूडे दैट इज ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी देर इज़ अ मैसेज फ्रॉम एन सी एस एम टू ऑल द इंस्टीट्यूट्स सारे जो आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट्स हैं यूनानी के इंस्टीट्यूट्स हैं एक मेल गया है स्पेशली फॉर प्रिंसिपल्स तो इसमें एक चीज़ के ऊपर टिप्पणी है दैट इज इन रिलेशन टू नेक्स्ट एग्जाम नेशनल एग्जिट टेस्ट सो वो इज सपोज टू टेक नेशनल एग्जिट टेस्ट जो इंटर्नस हैं उनके लिए जो फाइनल ईयर बी एम एस बी ओ एम एस जो भी एग्जाम है उसको क्लियर कर रहे आफ्टर दैट देअ टू हैव कंपल्सरी इंटर्नशिप रोटेटर इंटर्नशिप वंस द इंटर्नशिप इज कम्पलीट अर्लीयर वॉट यूज टू हैजिस्ट्रेशन हो जाता था देस टू रजिस्टर एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए वो डायरेक्टली एलिजिबल थे अब इस एग्जाम के बाद नेक्स्ट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद एक एग्जाम देना होगा आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ इंटर्नशिप टू एसिस इफ दे आर एलिजिबल फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस इसका मतलब बी एम एस डिग्री या बी एम एस डिग्री से आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते इफ यू डोंट हैव द नेक्स्ट क्लियरेंस ओनली आफ्टर नेक्स्ट क्लियरेंस रजिस्ट्रेशन के लिए अलो कर रहे सो दिस वॉज ऑलरेडी नोन ये तो बहुत दिन से इसका चर्चा हो रहा है द क्वेश्चन वॉज विच बैच इज गोइंग टू गेट दिस रूल बेटर इट इज द करेंट बैच नेक्स्ट बैच और इज इट आफ्टर सम इयर्स सो दैट वॉज लॉट ऑफ डिबेट कई सारे लोग जो है अपना अपना मत दिए ठीक है अब तक तो जो भी चल रहा था वो आवा की बात है एंड सम पीपल इवन मेट सम एन सी एस एम पीपल दे यू आर क्लेमिंग दैट दे आर टेलिंग इवन एन सी एस एम इज़ नॉट श्योर वैन दे आर गोइं टू कंडक्ट द एग्जाम सो इसके रिगार्डिंग एक मेल आए हैं सो आई एम गोइन टू शो यू दैट पर्टिकुलर पॉइंट सो दिस वेर द पॉइंट्स विच भी डिस्कस्ड सो अगर आपको याद है तो हमने ऑलरेडी ये सब कवर कर चुके हैं सो वॉट वॉज देर इन द गेजेट सो दीज आर द मेजर चेंजेस सो सम ऑफ दैम आर ऑलरेडी स्टार्टेड उसमें कोई इशू नहीं है स्पेशली रिलेटेड टू देरीफिकेशन प्रोसेस बाकी जो मैटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज के लिए दैट इज़ रिलेटेड टू द नेक्स्ट नैशनल एलिजिबिलिटी दैट इज एग्जिट टेस्ट एग्जिट टेस्ट जो है फॉर प्रैक्टिस क्लिनिकल प्रैक्टिस सो दिस आर द इंफॉर्मेशन वी एव कवर्ड दिस इज द मेल यू कैन सी द डेट ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फोर दैट इज जनवरी ट्वेंटी फिफ्थ इस साल नया साल तो सब्जेक्ट है नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ग्रेजुएट फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर रेस्पेक्टिव इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो यूनानी तो यूनानी सो रिलेटेड दैट उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है सर और मैडम द मैटर इज एग्जैक्टली द सेम एज नेशनल एग्जिट टेस्ट गैजेट जो गैजेट में था वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ये तो हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं इट से मंथ ऑफ फेब्रवरी इज इन द तो जो भी इंटर्नशिप क्लियर कर रहे हैं उनको दो बार मौका मिलेगा वो आर कंप्लीटिंग बिफोर ऑगस्ट मतलब उसमें भी जो इंटर्न का रूल जो है इफ देव कम्प्लीटेड टू सेवेंटी फाइव डेज ऑफ इंटर्नशिप दे आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द इमीडिएट एग्जाम ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेम थिंग एज बीन कॉपी पेस्टेड तो यहाँ तक अप टू पॉइंट नंबर सिक्स एवरी थिंग इज सेम नाउ माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज द लास्ट पॉइंट जो आप देख सकते हैं लास्ट एक पैराग्राफ है So you are directed to disseminate this information to all the final year students and इंटर्न of your college. So isme इसमें कोई कॉलेज को ki zarurat जरूरत ही नहीं है सबको पता है ये तो वैसे कोई मतलब इम्पोर्टेंट लाइन तो लग नहीं रहा बट आफ्टर दैट यू सी टू अवॉइड अननेसेसरी करस्पॉन्डेंस टू एन सी एस एम सो आई थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स है मेल्स टू एन सी एस एम रिगार्डिंग द टाइम ऑफ वैन दे आर गोन टू कंडक्ट दिस एग्जाम वेन दे आर गोन टू स्टार्ट द एग्जाम मेरा एक आर भी पेंडिंग है उसका आंसर अभी तक नहीं आया जिसमें ऑलरेडी मैंने पूछा है कि सारे एग्जाम्स का टेंटेटिव बिगिनिंग मंथ या ईयर क्या है सो आई एम टू गेट दैट आंसर सो आर का आंसर मिलने के बाद मैं ज़रूर उसका उसका एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा बट इस मेल में इन्होंने ये क्लियर बता दिया द प्रोसेस और द प्रोसीजर ऑफ द एग्जामिनेशन एज टू बी कम्प्लीटेड बाई एन सी एस एम विद इन थ्री ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस एक्ट केम इन टू फोर्स इसका मतलब क्या है जिस दिन ये जो गैजेट है वो एनफोर्समेंट हो गया उस दिन के तीन साल के अंदर जो भी टेस्ट इन्होंने लिखा है हर एक का प्रोसीजर जो है खत्म कर देना है मीन्स दे शुड फिनिश द प्रोसीजर एंड स्टार्ट द एग्जामिनेशन मतलब कहने का मतलब ये है सो दिस इज इश्यूड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सो दिस इज ए कॉमन लाइन हर एक नोटिस में ये लास्ट में रहता है सो वन द साइन ऑफ द डॉक्टर बी एल मेहरा सेक्रेटरी इन चार्ज एन सी एस एम कॉपी सब के लिए गए हैं सो so, इसमें जो लास्ट लाइन है इसमें आप ध्यान दीजिए सो दिस इज इंपॉर्टेंट सो दिस गिव्स अज ए क्लू इसमें कोई कंक्लूजन नहीं है बट दे आर टेलिंग विद इन थ्री ईयर्स हम हमारा काम करेंगे सो दैट इज देयर डेड लाइन हम उनके पास तीन साल का टाइम है सो इफ यू कीप दैट इन माइंड ट्वेंटी एथ डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री द फर्स्ट डेट ऑफ एनफोर्समेंट तो थ्री ईयर्स अगर आप काउंट करोगे तो यू विल गेट ट्वेंटी एथ डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स सो वो लाइन जो है वो क्या कह रहा है विद इन दिस डेट द एनसीएसएम हैज टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज पहले तो एक कमिटी बनाना है दैट विल टेक केयर ऑफ दिस एग्जामिनेशन ईच विल बी डिफरेंट टीचर्स वाला इंटरनीस वाला सब सेपरेट रहेगा सेकेंड विल बी द कमिटीज विल सिट एंड फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन सिलेबस एग्जामिनेशन पैटर्न देन एग्जामिनेशन कमिटी देन हाउ टू टेक ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन टेस्ट देन फाइंड सम टेक्निकल ब्रांचेस फिर सॉफ्टवेयर डेवलप करो देन ऑनलाइन एग्जामिनेशन का तरीका ढूंढो देन अल्टीमेटली हाउ टू टेक द रिजल्ट इज एम सी क्यू और लेंथी आंसर हु विल्युवेट एंड वॉट इज द मिनिमम मार्क्स टू पास वेदर नेगेटिव इज देयर और नॉट देयर ये सारे जो एग्जामिनेशन का रूल्स है अभी बना नहीं है दैट कमिटी विल मेक फर्स्ट स्टेप कमिटी देन दैटी विल मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड देन दमिटी विल लॉन्च द रूल्स एंड रेगुलेशन इन पब्लिक पोर्टल तब वो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली exactly क्या है वंस दैट इज़ कम्प्लीट देन ओनली दी फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड तो ये सारे प्रोसीजर्स के लिए तीन साल का टाइम एन के पास है सो इफ यू आस्क मी कि एन क्या इसको तीन साल तक टाइम लेगा सो so, बिल्कुल भी नहीं इतना टाइम वेट नहीं करेगा यू एन सी एस एम दैट इज़ फॉर श्योर बट अगर हम ये डेट के अनुसार मान के चलेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट तो नेशनल एग्जिट टेस्ट टू टाइम्स राइट एक तो फरवरी में एक अगस्त में ये तो क्लियर है सो ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी को फर्स्ट मतलब एक बार नेक्स्ट एग्जाम होना निश्चित है इट इज़ फॉर श्योर बिकॉज अगर अगस्त निकल गया 2026, ट्वेंटी द नेक्स्ट एग्जाम विल बी फेब्रुवरी 2027, सो दैट इज बियॉन्ड थ्री ईयर्स तो इसका मतलब एनसीएसएम को अगस्त 2026 को करना ही पड़ेगा एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर एग्जाम जो टीचर्स एलिजिबिलिटी वाला है वो सब नहीं है बट इस रूल के अनुसार अगर हम जाएंगे तो लगभग वहाँ पर भी सेम रूल अप्लाइड होगा हो सकता है प्रॉबली बट यर इट इज़ अबाउट नीट द नेक्स्ट एग्जाम द इंटरनिस वन द क्लिनिकल प्रैक्टिस वन तो उस उसके लिए आप देख सकते हैं ऑगस्ट 2026 ट्वेंटी सिक्स को एनसी एस एम को एग्जाम कराना ही होगा कोई ऑप्शन नहीं है उससे उसके बाद नहीं कर सकते उससे पहले ही करना होगा दैट इज देयर मैंडेट लाइक दे हैव टू कंप्लीट दैट सो अगर आप इसको मानेंगे तो जरूर जो 2026 में कंप्लीट करने वाले इंटर्निश हैं दे हैव टू गिव दिस नेक्स्ट एग्जाम सो दिस इज फॉर श्योर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर इंटर्नशिप इन 2025, ट्वेंटी फाइव एनीवेयर इन ट्वेंटी मे बी मार्च अप्रैल में जून जो भी है एंड इफ यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट इन ट्वेंटी ट्वेंटी को अगर आप कंप्लीट कर रहे हो दैट इज अराउंड यू कैन से मार्च अप्रैल में देन दिस एग्जाम हैज टू बी फेस्ड बाई यू आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा

मैं कैसे बता रहा हूँ इट इज़ बेस्ड ऑन दैट थ्री ईयर्स रूल वो तो खुद एन सी एस एम बता रहे हैं एंड थ्री ईयर्स से बहुत टाइम है उस तब तक तो बन ही जाएगा वो, वो, इतना टाइम तो लगेगा नहीं बट मैक्सिमम टाइम इफ़ यू कंसिडर दिस इज़ फॉर श्योर तो जो भी आप आपके सीनियर्स या जो भी अदर्स को सुन रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना दिस इज़ फॉर श्योर अगर कोई आपको कह रहा है कि ट्वेंटी सिक्स में भी नहीं होगा वो फर्जी बात है डोंट लिसन टू देम इफ यू आर गोइंग टू कम कम्प्लीट इंटर्नशिप मीन्स दैट टाइम यू हैव टू गिव नेक्स्ट एग्जाम क्या आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में पॉसिबल नहीं है तो ये मना नहीं कर सकते वी कैनॉट डिनाई दैट द एग्जाम कैनॉट टेक प्लेस इन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव बिकॉज इफ एन सी एस एम इज क्विक इन डूइंग दिस एक्टिविटीज दैट इज फ्रेमिंग द कमिटी देन रूल्स एंड रेगुलेशन देन एग्जामिनेशन कमिटी देन ऑनलाइन पोर्टल सॉफ्टवेयर देन इवेल्युएशन पैटर्न तो ये सारे अगर एन सी एस एम जल्दी कर पाएगा देन प्रोबली देन प्रोबली एग्जाम कैन आई मीन एग्जाम कैन ऑल्सो Be found during or can occur during 24 and 25. A possibility be hai. We cannot rule out that. But practically So 24 it looks highly unlikely. That is 24 this year, especially the February, that the coming month. It is not possible. Even August it looks difficult. Difficult both. It is highly doubtful because within 2 to 3 months it is difficult to frame all these rules and other, other factors. ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव पॉजिबिलिटीज आर देर पॉजिबिलिटी तो है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के जो इनका टाइमिंग है फेब्रुवरी और अगस्त पॉजिबिलिटीज आर देर वी कै नॉट श्योर दैट वी नॉट श्योरली टेल बट इमेजिन विद इन वन और टू मंथ्स इफ यू गेट टू नो अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट दिस एग्जाम द कमिटी देन प्रॉब्लली ट्वेंटी फाइव में होने का संभावना है सो ट्वेंटी फाइव इफ एनसीएसएम वर्कस फास्टर पॉजिब्ली यू विल हैव एन एग्जाम बट ट्वेंटी सिक्स को तो श्योर है दैट इज श्योर टू हैव नेक्स्ट एग्जाम इन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स वो भी ऑगस्ट वाला तो श्योर ही है उसमें कोई डाउट है ही नहीं सो रिमेनिंग वंथ्स दैट इज ट्वेंटी फाइव फेबरुअरी ट्वेंटी फाइव ऑगस्ट एंड ट्वेंटी सिक्स फेबर दिस डिपेंड ऑन आओ एन सी एस एम इज गोइंट टू एक्ट फर्दर सो ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ दिस इज द रियालिटी एंड यू यू कैन गेट बेस्ड ऑन द लेटर मतलब जो एन सी एस एम लेटर भेज रहे हैं उसी से आप उसी को आप पढ़ो यू हैव टू फॉलो दैट डोंट ब्लाइंडली लीजन टू समन टेलिंग दैट जो नया बैच है जो ट्वेंटी वन सिलेबस के बाद हुआ है उनसे ही शुरू होगा ऐसे कुछ नहीं है सो दिस रूल्स आर नॉट इन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस ऐसे कुछ नहीं है सो दिस इज़ इन रिलेशन टू द टाइम बाउंडेशन एंड एन सी एस एम्स लाइक क्विकनेस हाउ इट इज गोइ टू एक्ट तो उस तरह से आपको ये सोचना चाहिए आपको करना क्या है जो भी आप पढ़ रहे हैं वेदर इट इज फाइनल ईयर सेकेंड ईयर और इंटर्नशिप आपको क्लिनिकली टच रहना है सो यू हैव टू बी इन टच विद द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स एंड द क्लीनिकल फॉर्मुलेशन्स मतलब जो भी क्लिनिक से संबंधित विषय है उस पर आपका लगातार जानकारी होना चाहिए ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप में भी आपको पता नहीं है कि सीतोपल अधिचूर्ण कब दिया जाता है इंटर्नशिप में आपको पता ही नहीं है कि सिमनाथ गुग्लू कौन सा डिसीज में दिया जाता है तो ऐसे नहीं होना चाहिए सो नथिंग टू वरी अबाउट दिस एग्जाम्स दिस आर जस्ट यू कैन से टू एस वेदर यू कैन प्रैक्टिस और नॉट सो मेरे हिसाब से अगर आपका क्लीनिकल नॉलेज अच्छा है या मतलब बेसिक्स बढ़िया है देन आई डोंट थिंक दिस विल ूज इम्पैक्ट ऑन यूर दी मेडिकल लाइफ दैट स्टूडेंट लाइफ ये तो अपने आप क्लियर हो जाएगा तो कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है इफ़ यू आर नॉट साउंड क्लिनिकली अगर आपका मन ये है कि डिग्री लेके कुछ और काम करें आपको परेशानी होने की ज़रूरत है क्योंकि ये एग्जाम जो है कहीं ना कहीं क्लीनिकल रिलेटेड ही होगा मेरे हिसाब से तो फिर आपको तो करना ही पड़ेगा इफ यूर प्लानिंग की मेरा डिग्री हो जाएगा आई कैन शो माई डॉक्टर डिग्री टू एवरीबडी तो आपके लिए तो ये शायद मुश्किल हो सकता है अदरवाइज इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्रैक्टिस इफ़ यू आर रेगुलरली इन टच विद दब्जेक्ट्स आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है सो दैट इज़ द मैसेज सो जो भी आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से आप क्लिनिकल टच में रहते हुए पढ़िए जस्ट थियरिटिकल नॉलेज काफ़ी नहीं है सो दिस इज़ इन रिलेशन टू टूडेस अपडेट जो भी आगे अपडेट आएगा जो मैंने कहा वन इम्पॉर्टेंट अवेटमेंट इज देयर मेरा एक रिप्लाई आना बाकी है सो वैन द रिप्लाई कम्स फ्रॉम एन सी एस एम आई विल डेफिनेटली शेयर दैट इंफॉर्मेशन सो उसमें मैंने पूछा है कि एन द ईयर एंड मंथ एग्जैक्टली वैन ऑल दिस एग्जाम्स आर स्टार्टिंग तो हो सकता है कि सही आंसर आ जाए एक अच्छा सा आंसर आ जाए अगेन वेग आंसर आएगा तो हमें गेस करना पड़ेगा इफ दे टेल एग्जैक्ट मंथ एंड ईयर आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म इन द नेक्स्ट अपडेट प्रॉबॉबली विद इन वन वीक आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम एन सी एस है सो इफ यू लाइक दिस कंटेंट काइंडली शेयर एस्पेशली दिस कंटेंट यू व टू शेयर विद द इंटर्नीस ऑफ ऑल दी कॉलेजेस एंड इवन द फाइनल ईयर्स प्रॉब्ली फाइनल ईयर्स और जो सेकेंड ईयर एंड कर रहे हैं तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है तो उनके लिए चांसेस भी हाई है नेक्स्ट एग्जाम का तो ज़रूर शेयर कीजिए एंड डोंट बिलीव एनी अदर रूमर्स रूमर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है एनी रिलेटेड अपडेट्स ऑफिशियली विल बी शेयर इन दिस वीडियो सो इफ़ यूर नॉट प्रेस दि नोटिफिकेशन बल काइंडली प्रेस दैट क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा अपडेट आएगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा आपके यूट्यूब उसमें ऐप में ही मिल जाएगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो